किसी को अपना कंप्यूटर या लैपटॉप देते हैं या हम लोग घर पे काम कर रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए उठ जाते हैं तो या कोई गेस्ट आया हुआ है तो या कोई और व्यक्ति आपका फ्रेंड है कोई और है तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी ड्राइव में क्या रखा हुआ है वो देख सकता है या देख लेता है। लेकिन अगर फोल्डर में रखा हुआ है तो फोल्डर को छिपाने का मैं तरीका बता चुका हूँ कि हम अपने फोल्डर को कैसे हाइड करेंगे कैसे शो करेंगे। आप आई बटन पर जाकर के भी इसको देख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने ड्राइव को ग्रुप पॉलिसी के द्वारा हाइड करेंगे ताकि कोई भी हमारे ड्राइव के अंदर क्या डेटा रखा हुआ है दोस्तों कोई भी ना देख सके। तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉकविथ तनवीर में। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम ग्रुप पॉलिसी के द्वारा अपने ड्राइव को हाइड करते हैं और कैसे अनहाइड करते हैं। दोस्तों हम कैसे अपने ड्राइव को ग्रुप पॉलिसी के द्वारा हाइड करते हैं इसके लिए हम रन कमांड पे चलते हैं और रन कमांड पे जाने के लिए विंडोज और आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करना होगा हमें gpedit.msc। जैसे ही हम ग्रुप पॉलिसी को खोलेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको मिलेगा, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें आना है यूजर कॉन्फ़िगरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे। उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा विंडोज कंपोनेंट, इस पर आएंगे। इस पर आने के बाद थोड़ा सा और पीछे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये विंडोज एक्सप्लोरर, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं और इस पर किसी पर क्लिक करने के बाद हमको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है हाइड द स्पेसिफिक ड्राइव इन माई कंप्यूटर। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एक विंडो खुल के आ गया। इस विंडो में हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, इनेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इनेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो गया, रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव। हमें इस पर नहीं क्लिक करना है, हमें जिस भी ड्राइव को हाइड करना है। मैं एक बार पहले आपको इसको करने से पहले अपने कंप्यूटर को ओपन करके दिखा देता हूँ। मेरे यहाँ पे जो कंप्यूटर में तीन ड्राइव बने हुए हैं CDE, तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इनेबल करने के बाद इस पर आते हैं और डी ड्राइव ओनली को हाइड कर देते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, फिर से अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं। देखिए मेरे पास केवल दो ही ड्राइव है, वापस लाने के लिए कहता हूँ करेंगे, फिर से इसे भी डबल क्लिक करेंगे और चाहे तो नॉट कॉन्फ़िगर आप कर दो और एक बार हम सिस्टम को रिफ्रेश कर लेते हैं और फिर से देखिए मेरा तीनों ड्राइव आ गया।